कांग्रेस के कमजोरी बनी नीतीश कुमार के लिए संजीवनी। दरअसल देश की राजनीति में अचानक ही नीतीश कुमार विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं। वहीं लोगों ने तो उन्हें भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी मानना शुरू कर दिया है। देखें तो नीतीश कुमार की इस सफलता के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस की कमजोरी का भी योगदान है। दरअसल कांग्रेस इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो विपक्षी दलों को एकजुट कर सके। खासकर तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी कांग्रेस विरोधी पार्टियों को साधना राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आसान नहीं था, इसलिए पार्टी ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। वैसे कांग्रेस की कमजोरी की चर्चा करें तो इसकी शुरुआत 2014 में ही हो गई थी। दरअसल केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी के बुलंदी पर पहुंचने के पीछे कांग्रेस की कमजोरी का सबसे बड़ा हाथ है। जैसा कि हम जानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान देश की राजनीतिक स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि जनता कांग्रेस से पूरी तरह से निराश हो चुकी थी और लोग सत्ता परिवर्तन चाह रहे थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने जनता के भरोसे को जीता, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाजपा को मिलने वाला वोट बीजेपी के समर्थन से ज्यादा कांग्रेस के विरोध में था। यानी कि जनता कांग्रेस को लगातार तीसरी बार सत्ता में आते हुए नहीं देखना चाह रही थी, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी का केंद्र की राजनीति में उदय हुआ। वहीं सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वोटरों को भी ऐसा भरोसा दिला दिया कि उनका भला भी भाजपा के साथ ही होगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रेस में सबसे आगे चल रहे राहुल गांधी को कांग्रेस के गढ़ अमेठी में मात मिली। यानी कि 2019 में राहुल गांधी सत्ता हासिल करना तो दूर, पार्टी का परंपरागत सीट भी नहीं बचा सके। लेकिन इन सब के बाद भी कांग्रेस ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि देश की जनता का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो। हालांकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन इस यात्रा के दौरान भी उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया जो विवादों में रहा और पार्टी अभी भी भारत जोड़ो यात्रा को भुनाते हुए नजर नहीं आ रही। जाहिर सी बात है कि देश में लोकसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है। ऐसे में नीतीश कुमार ने मौके की नजाकत को समझते हुए खुद को विपक्ष के चेहरे के रूप में प्रमोट किया। वैसे भी बिहार में नीतीश कुमार को सफलता का दूसरा नाम कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लगभग दो दशकों से नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री कुर्सी छीनना किसी से संभव नहीं हो पाया है। स्थिति यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का चाहे जिस भी दल के साथ गठबंधन हो, उसकी जीत पिछले चार विधानसभा चुनावों से होती आ रही है, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता भी काफी ज्यादा बढ़ी है। यह सब देखते हुए नीतीश कुमार ने खुद को विपक्ष के संयोजक के रूप में आगे बढ़ाया और मजबूरन कांग्रेस को भी इनका समर्थन करना पड़ा। हालांकि इन सब के बीच राहुल गांधी को दो वर्षों की सजा मिल गई, जिसकी वजह से उनका लोकसभा चुनाव लड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। देखें तो एक तो पहले से ही कांग्रेस कमजोर नजर आ रही थी और अब पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार के सामने कांग्रेस को पीछे करके खुद को आगे करने का सबसे बड़ा मौका है। वैसे नीतीश कुमार के लिए सबसे राहत की बात यह है कि राज्य के कई क्षेत्रीय दलों को जितनी तकलीफ कांग्रेस से है, उन्हें इतनी ही तकलीफ बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं है। इसके कारण इस वक्त कांग्रेस नहीं बल्कि नीतीश कुमार विपक्ष का संयोजक बने हुए हैं। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस की कमजोरी के कारण नरेंद्र मोदी के बाद नीतीश कुमार राजनीतिक बुलंदी पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।